स्वागत है। हम आज जा रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं एक बहुत अच्छी बर्थडे पार्टी की जो होने वाली है, बहुत अच्छी, जिसमें ब्लैक थीम रखी गई है। तो आज हम व्हाइट व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट रखी है, ब्लैक एंड व्हाइट है लेकिन ब्लैक ज्यादा है। तो हम जा रहे हैं वहाँ पे, मेरे भतीजे का बर्थडे है, फर्स्ट मतलब 1 साल का हो गया है वो, तो बहुत एक साल का होएगा क्या? हाँ मतलब 1 साल का होगा, पर कल को हो जाएगा, 7 जुलाई को 1 साल का हो जाएगा। और हम आज जा रहे हैं तो काम लेके, और हमने ये मैचिंग पहना है, देख सकते हैं हमने मैचिंग पहना है। मैचिंग इसलिए पहना है कि हम रास्ते में वीडियो बनाते हुए जाएंगे और ये ड्रेस भी मैंने किसे डिजाइन करवाई है, अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। और अभी हम फिलहाल चलते हैं क्योंकि हम लेट हो गए हैं, हम बज गए हैं 5:15 हो गए, हमें 5 बजे निकलना था, हो गए 15 मिनट लेट। तो मिलते हैं आपसे घर पहुंच के। तो हमें ले जाने वाले आ चुके हैं, अब हम जाएंगे फटाफट से। ठीक है लाई, हम एक गिफ्ट और लेके आए दिखाने, गिफ्ट गिफ्ट दिखाओ, हमने क्या बनवाया उनके लिए। अरे उधर है चेहरा, उधर उधर है, उधर छोटा। वाओ, ये हम उनके लिए बनवा के लाए। लल्ला कहाँ है? लल्ला नीचे है, मैं पूरा खोलूंगा। खोलिए प्रीति और पिंकी, लल्ला को छुपा दिए इन्होंने, आड़ मत चिपका। ये हमारा लल्ला, इसका बर्थडे है, इसका बर्थडे है, इसका बहुत छोटा है। हाँ तो क्या हो गया, तो ये हम इन्हें गिफ्ट करने वाले। तो फ्रेंड फाइनली हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और हमारे ड्राइवर साहब भी आ चुके हैं, और हमारा कैमरा मैन मुंह छुपा के बैठा हुआ है, अभी उसका काम नहीं है, जब काम आएगा जब देंगे। अब वो दोनों गई हैं शॉप के अंदर, क्या खरीदा, चिप्स वगैरह, उनको भूख लग रही थी, अभी तक लिया नहीं है। फिर हम सालों को रिसीव करेंगे, फिर हम फुर्र से निकल जाएंगे और रात तक पहुंचेंगे। अरे आ जाओ भाई, कितना लेट कर रही हो तुम, पॉलिथीन तो तू तो बैठ। आज जल्दी तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने स्टॉप लिया था बीच में, ये मुरादाबाद के रोड पे ढाबा बनता है सिबा ढाबा, बहुत सुंदर ढाबा है, मतलब ऐसे बहुत सारे ढाबे हैं। तो और हम यहाँ पे स्टॉप लिया था, हमने कुछ भी नहीं खाया और चले। कहने का मतलब बहुत महंगा था, कहने का मतलब था हमने कुछ खाया पिया नहीं, बस घूमे फिरे थोड़ा सा इधर उधर देखा, कुछ हमें अच्छा नहीं लगा और हम यहाँ से फिर भेलपूरी खाई। थोड़ी देर बाद हम यहाँ से निकल लिए थे अपने घर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा लेट हो गए थे, इसलिए रुकने का टाइम नहीं था, समझी पागल सी। आप क्या एक यही दावर तो यहाँ पर हमारी बातों को थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि फैमिली से मिलते ही आपको तो पता है गपशप स्टार्ट हो जाती है, तो वही हमारी चल रही है यहाँ पे। तो अरे पापा नमस्ते। तो यहाँ पर मेरा भाई कर रहा है, यानी कि किट्टू का पापा, गिफ्ट की अनबॉक्सिंग जो हमने किट्टू को दिया था। आप देखना वीडियो के अंदर कि हमने किट्टू को क्या दिया था।
हाँ है ना गोलू, आप ही बताओ अब हमने क्या दिया है। वो तो आपको देख के पता चल जाएगा कि हमने ये क्या दिया है। कमेंट में बताना इसका नाम क्या है, हमें तो पता नहीं। मैं तो ट्रॉली बोलती हूँ पर ये लोग स्ट्रॉलर बोलते हैं। ट्रॉलर होता है, ट्रॉलर बस इसका नाम स्ट्रॉलर होता है बट हम बोलते हैं ट्रॉली है, बट हम तो इसको ट्रॉली ही बोल देते हैं। कौन बोलेगा स्ट्रॉलर, इतनी मेहनत कौन करेगा स्ट्रॉलर बोलने में। और ये मेरा खाना आ चुका है यहाँ पर। मम्मी पता नहीं क्यों इसमें बहाने दिखा रही थी खाने में, और ये बातें चल रही थी हमारी, तो मेरा भी मन कर रहा था खाने का, पर मैं रोटी देख के पीछे हो क्योंकि मेरे को चावल आई लाइक इट चावल। और यहाँ भी ये किट्टू है, डांस चल रहा है, डांस नहीं चल रहा, बस इसको थोड़ा सा उछाल दो ना तो इसका उछलना शुरू हो जाता है। फिर मम्मी ने इसको हवा में उड़ा दिया था, पूरा उठा गया, मैंने इसको हवा में उड़ा दिया, फिर वो डर गया, उसने मुझे पकड़ लिया था किसकी। अब वहां से छोटे पीछे से मम्मी को इरिटेट कर रही है कि तू क्यों कर, वो मम्मी कह रही है तू क्यों कर रही है मेरे को करने दे। छोटी वहां पर चिल्ला रही है, मैं सिर्फ हाथ लगा रही हूँ। और यहाँ पर जो ये दोनों बैठे हैं, ये जो लड़की लड़का है वो मेरे कजन ब्रदर कजन सिस्टर, ये दोनों मिल रहे थे भाई, ये दोनों, इन दोनों का जन्म एक महीने के अंदर। और ये दोनों एक दूसरे से इतनी लड़ाई करते हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। यहाँ पे हम केक कट कर रहे थे लेकिन हमारा किट्टू केक कट होने ही नहीं दे रहा था, बार बार कभी उसमें उंगली के बच्चों की तो होती है हरकत, आपको पता ही है। फिर हमने केक कट करके उसको खिलाना शुरू करा, मैंने तो उसको नहीं खिलाया, तो खिलाना शुरू करा बारी बारी करके, बेचारे के सबने खिलाया है लेकिन उसने भी सब कहीं खाया, ऐसा नहीं है कि किसी का ना खाया हो। हाँ क्योंकि उसको बहुत पसंद है मीठी चीजें। मीठी चीजें हर किसी को ही पसंद होती है, और केक तो हर लेकिन मुझे नहीं पसंद, केक तो हर किसी को ही पसंद होता है। ये देखो हाँ, पर हम वेज वाला केक लाए थे, मतलब कि उसको ये था कि भाई कोई भी खिलाओ उसको खाना ही है, ऐसा नहीं था कि नहीं खाना। और यहाँ पे हमारा हवन चल रहा है, पूजा स्टार्ट हो गई थी क्योंकि मतलब बर्थडे से पहले हमें पूजा करानी थी, हवन कराना था घर में शांति के लिए, पहले आए थे थोड़ा सा क्योंकि हमारा जो कजन ब्रदर छोटा वाला उसका फर्स्ट बर्थडे, तो हवन तो बनता ही है, बिल्कुल बनता है। तो ये कुछ लोग आए थे हमारी पूजा में, और लो जी यहाँ पे धीरे धीरे हमारे गेस्ट जो थे उन्होंने भी आना स्टार्ट कर दिया था। और ये सारी मेरी कजन्स हैं जो भी आपको दिखाई दे रही हैं, ये बुआ है, मतलब सारे मेरे फैमिली मेंबर हैं मैके की तरफ से, तो आप उनसे भी मिल सकते हैं। हेलो जी यहाँ पर शुरू हो गई खातिरदारी, तो मेरी दोनों भाभियाँ मिलकर बेचारी खातिरदारी में लग गई थी। चुपहुओं का अक्सर काम ही होता है। अरे भगवान से और ये प्यारी सी है मेरी दादी माँ जो अभी तक हमारे साथ है, और भगवान से दुआ करते हैं कि ये हमारे साथ ही रहे हमेशा। कुछ भी तैयार ना हुए जब इनकी साड़ियाँ शुरू होंगी ना पहनने को, तो कई घंटे लगेंगे। तुम्हारे बाल हुए हैं, तुम्हारे बाल ऐसे बाल नहीं, तुमने पूरे भी खोले, खुद तो पूरे खोले हैं। और यहाँ पर सब रेडी होने में लगे हुए हैं, और बच्चों को मेरे पापा या फिर सबके हस्बैंड संभाल रहे थे, यहाँ पे हम सब रेडी हो रहे थे और बच्चों को भी अपने रेडी कर रहे थे साथ में। तो ये देखो मैं और मेरी भाभी हम दोनों रेडी होने में लगे, और ये हैं किट्टू की मम्मी यानी कि बर्थडे बॉय की मम्मा जिनका मेकअप चल रहा है।
और हम एक बात तो बताना आपको भूल ही गई, क्योंकि हमारे बर्थडे की थीम थी प्रॉपर तरीके से ब्लैक, तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सब ने ही ब्लैक ब्लैक पहना हुआ है। और बच्चों की थीम थी ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि किट्टू ने ब्लैक एंड वाइट पहना हुआ था बर्थडे बॉय ने, तो बच्चों को हमने ब्लैक एंड वाइट रखा था। तो सारे जितने भी बच्चे थे हमारी फैमिली के, उन्होंने ब्लैक एंड वाइट पहन रखा था। आप वीडियो में गौर करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि बच्चों ने ब्लैक एंड वाइट पहना है, और जितने भी बड़े हैं लेडीज़ हैं जेंट्स हैं जो भी हैं उन्होंने ब्लैक पहना है। और जो आपको अनमैच दिखाई देंगे वो हमारे फैमिली मेम्बर नहीं होंगे, वो बाहर के होंगे। और यहाँ पर हो रही है हमारे किट्टू की धमाकेदार एंट्री। तो भाई यहाँ पे एंट्री हो चुकी है हमारी, हम एंट्री कर चुके हैं किट्टू के साथ। उसके बाद हम किट्टू का करेंगे केक कट। यहाँ पर आया मजे वाला सीन तो। हाँ, और यहाँ पर तुम डर भी कितना रही थी, दोनों डर रही थी। देखना वो देखना, ये भी डर रहा है, लल्ला भी डर रहा है, तुम भी डर रही, और छुट्टी तो देखना वो अपनी मम्मी के साथ। ये देख, ये देख, छोटी डर रही है, छोटी डर रही थी। छोटी तो बहुत, कहाँ है छोटी, तो दिखाई नहीं दे रही। ये लल्ला की साइड में, ये देख कहाँ है येरी। वो तो तू है ना। नहीं, मैं छोटी तो पीछे चुप भी पड़ी थी। ये देखना, रूमा भी चिल्ला रही थी कि बच्चे पागल हैं, बैलून मत फोड़ो, रूमा के एक्सप्रेशन। और यहाँ पे केक कट हो चुका है, अब यहाँ पर हमारा चल रहा है क्या, फोटोशूट। और आप देख सकते हैं सारे ही ब्लैक 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 ब्लैक। और ये देवरानी जिठानी बेचारी बहुत देर से चिल्ला रही थी कैमरामैन से, कह रही थी कैमरामैन हमारे घर का ही मेंबर था, वो कैमरामैन नहीं था। और वो बहुत देर से चिल्ला रही थी कि भाई हम दोनों देवरानी जिठानी का भी फोटो खींच दो, लेकिन कैमरामैन का फोकस तो कहीं और ही था। बेचारी चाची पीछे रह गई, कह रही मेरा फोटो खींचता, यहाँ भी दोनों चिल्ला रही हमारा फोटो खींचता। यहाँ पे बुआ की एक्सप्रेशन, मुझे सबको किसी को कुछ मतलब नहीं है, बस मतलब है कि भाई फोटो की तो यहाँ पे चाची की हंसी। तो भाई बड़ा मजा आया हमें, और हम बस, हमें मतलब नहीं था खाना क्या है, कुछ नहीं मतलब। हमने तो उड़द की दाल चावल खाए थे, टेस्टी थे ना, टेस्टी। हाँ, मोमोज भी थे, पर लेकिन हमें ज्यादातर मतलब था कि हमारे फोटो क्लिक करो बस। और फिर हमारा स्टार्ट हो गया था डांस के, सबसे तो अच्छा मोमेंट था, ये हम तो छुप छुप के कर रहे थे। तो ये डांस का हमने, अरे ये मम्मी को क्या हो गया, क्या सोच रही है। और यहाँ पे फिर हमने ये जो सोच रही है, मम्मी सारी काली नागिन डांस नहीं कर रही है, भद्दे से गाने लगा रखे हैं। तो यहाँ पे क्या था कि हमने जो डीजे था अपने घर मंगवा लिया था, क्योंकि अलाउ नहीं होता 10 बजे के बाद, तो हमने अपने घर मंगा लिया था। फिर हमने 12-1 बजे तक खूब ही डांस करा। डांस की क्लिप थोड़ी कम बनी है, लेकिन मैंने जो डांस की क्लिप एंड में लगाई हुई है आप देख सकते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे हो रही थी मेरी उनकी लड़ाई बहुत ज्यादा। और यहाँ पे हम कर रहे हैं अपने ब्लॉग का एंड। बाय बाय, कैसा लगा ब्लॉग, कमेंट में बताएं। बाय बाय।